अभी उपस्थित नहीं है। खैर, आपके जो शब्द हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पीछे जो आपका भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उर्वशी जी ने हमें आमंत्रित किया है, आनंद वर्धन शर्मा जी मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और उन्होंने आग्रह किया, तो मैं उनके आग्रह को टाल नहीं पाया और मुझे पता चला कि अभी वो अस्वस्थ हैं, तो मुझे और भी दुख हो रहा है। सर के स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं और अपनी कुछ बातें आप सबके साथ साझा करूंगा। ये आपका जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है वो काफी दिनों से चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत सारे क्षितिज तलाश लिए होंगे, बहुत सी यात्राएं कर ली होंगी, तो ऐसे में मैं क्या नया आपसे बात करूंगा, ये मेरे लिए और भी बड़ी चुनौती है। अगर आप में से मैं किसी को कहूं कि मैं आपको एक साथ 3 फिल्में दिखाना चाहता हूं और उसके बीच में कोई अंतराल नहीं होगा, और वो 3 फिल्में बहुत बड़े फिल्मकार के द्वारा बनाई गई हैं, बहुत बड़े अभिनेता ने उसमें काम किया है, अभिनेत्री ने उसमें काम किया है, बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत ही बेहतरीन टीम ने उन फिल्मों को बनाने में अपनी भूमिका अदा की है, और वो 3 फिल्में मैं आपको एक साथ दिखाना चाहता हूं। शायद ही आप में से कोई 3 फिल्में एक साथ 6 घंटे तक देखने के लिए तैयार होगा, लेकिन ये विडंबना है कि हम लोग ऑनलाइन कोर्स में 6 घंटे लेक्चर सुन रहे हैं। ऑफलाइन में तो ये चीजें चल जाती हैं, क्योंकि बहुत सी बातें इंटरेक्शन के माध्यम से दूसरे माध्यमों से होती हैं और वहां पे 1-to-1 साक्षात्कार होता है, और यहाँ जबकि ज्यादातर लोगों से eye-to-eye कॉन्टैक्ट तक नहीं हो पाता, जो कि शिक्षण की बुनियादी शर्त है, बुनियादी जरूरत है। ऐसे में 1.5 घंटे एक लेक्चर को सुनना और 6 घंटे दिन भर में सुनना, और वो भी लगातार 15 दिन तक सुनना, वैसे भी सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो आपकी दशा की कल्पना मैं कर सकता हूं। और हमारी क्या दशा है उसका अंदाजा इसी से लगाइए कि एक प्रोफेसर को जब आप व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं तो वह केवल और केवल आपके व्याख्यान के लिए पूरा समय निकालता है, और इस तरह से वह 1 दिन की या 2 दिन की डीएल लेता है। यात्रा के दौरान निरंतर वह उसी मानसिकता में होता है कि वह जिनके साथ संवाद करने जा रहा है उनके प्रति पूर्णतया समर्पित होकर, उनके विषय के प्रति पूर्णतया समर्पित होकर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। लेकिन अब ये जो नया चलन चल पड़ा है, इसमें वर्किंग डे में आपके रोजमर्रा के जो कामकाज हैं उन सब को करते हुए, उन सब का निस्तारण करते हुए आपके विषय पर फोकस करना, ये एक बहुत ही कठिन चुनौती भरा काम है, और वह भी तब जो कि इतना रोचक बन जाए जिससे कि 1.5 घंटे तक लोगों की नजर स्क्रीन पर बनी रहे, यह और भी चुनौती को बढ़ा देता है। फिर भी बातचीत तो करनी ही है, और आप इतने दिनों से सुनने के आदि बन चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं भी आपको बहुत निराश नहीं करूंगा, और कुछ बातें जो मैं समझता हूं कि आप सबके साथ करनी चाहिए वह करने की कोशिश करूंगा। विषय दिया गया है हिंदी साहित्य, रचनाशीलता और शोध के नवीन क्षितिज। बड़ा ही ये प्रेरक विषय है और बहुत ही व्यापक भी है। इसमें कौन से सिरे को पकड़ा जाए और कहां से बात की जाए, इसकी आजादी भी है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़ी आजादी मिल जाना ये बड़े खतरे का भी संकेत होता है, क्योंकि इतनी बड़ी आजादी में आप कहां से शुरू करें और क्या बातें कहें, इससे बिखराव के बड़े खतरे रहते हैं। रचनाशीलता मेरा विषय नहीं है कि उसके नए क्षितिज तक मैं आपको ले जाऊं, क्योंकि एक अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्रिएटिव राइटर हैं, जो स्वयं रचनाशील है। ज्यादातर हम लोग जो रचनाएं हैं
जो अभिव्यक्तियां हैं वो किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उनके विवेचन विश्लेषण तक अपने को सीमित रखते हैं और साथ ही शोध के आयामों पर बातचीत करते हैं, क्योंकि एक प्रोफेसर रिसर्च सुपरवाइजर भी होता है और इस नाते वो अन्य अन्य विषयों पर शोध की संभावनाओं को तलाशता रहता है। तो इस क्रम में मुझे उचित लगा कि मैं शोध के नवीन क्षितिज जो प्रस्तावित किए जा सकते हैं उनमें से एक विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे विषय को अपने विषय और थीम की परिधि के भीतर स्वीकार करेंगे पाएंगे, क्योंकि मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसे हिंदी की अकादमिक दुनिया, हिंदी की अनुसंधान की दुनिया के भीतर की वस्तु नहीं समझते और उससे वो एक तरह की दूरी रखते हैं, और ये दूरी बहुत बार घृणा और हीनतर भावना के रूप में भी, कुंठा के रूप में भी दिखाई पड़ती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं हिंदी सिनेमा में शोध की संभावनाओं। पहली बात तो यही कि क्या हम हिंदी सिनेमा को हिंदी साहित्य के अंतर्गत परिगणित कर सकते हैं? तो पहली जो प्रस्तुति मेरी होगी वो यही होगी कि हम साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंध को देखें और उससे ये निष्कर्ष पाएं कि सिनेमा भी हिंदी साहित्य और हिंदी में साहित्य और कला बहुत बार पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए मैं इस फलक को और विस्तृत करना चाहता हूं और हिंदी कलाओं में सिनेमा की उपस्थिति, हिंदी कलाओं के भीतर सिनेमा पर शोध, हिंदी कलाओं के अंतर्गत सिनेमा के महत्व, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषिक सरोकारों पर बातचीत की जा सके, की जानी चाहिए। और मेरा दृढ़ मत है कि हिंदी की अकादमिक दुनिया जो पिछले 100 से अधिक वर्षों से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में सक्रिय है, उन्हें इस ओर अब ध्यान देना ही होगा, और उसके लिए अब परिस्थितियां भी पर्याप्त रूप से निर्मित हो चुकी हैं कि वह सिनेमा को, हिंदी सिनेमा को अपने व्यापक अध्ययन का विषय बनाए और शोध के माध्यम से उसके सरोकारों को समझने की कोशिश करे और एक अच्छा सिनेमा दर्शक भी निर्मित करे। साथ ही साथ सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में जहां भाषा का सीधा संबंध जुड़ता है, उन क्षेत्रों में अपने विद्यार्थियों को प्रेरित, प्रवृत्त और प्रशिक्षित कर सकें, यह हम कर पाए करें तो ये बहुत बेहतर होगा। हम सब कोई बात समझनी होगी कि आखिर हमारे पाठ्यक्रम जो हम बनाते हैं उसके उद्देश्य क्या है। हम जिन विधाओं को पढ़ाते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिन रचनाओं को हम चुनते हैं पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए, उन रचनाओं को चुनने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है? एक तो होता है कि हम उसके संदेश को विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं, और वो जो संदेश होते हैं वो कई बार बहुत सूक्ष्म होते हैं, कई बार वो बहुत स्थूल भी होते हैं, लेकिन अंततः जो संदेश होता है वह एक संदेश ही है, उसको पहुंचाने का माध्यम अनेकों हो सकता है। अगर आप देश प्रेम की भावना को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो देश प्रेम से ओतप्रोत कहानियां लिखी जाएंगी, देश प्रेम से ओतप्रोत उपन्यासों का चयन किया जाएगा अध्यापन के लिए, देश प्रेम से ओतप्रोत
कविताएं हम लेंगे, गीत लेंगे, तो ठीक उसी तरह से हम देश प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जगाने में हम सिनेमा का भी उपयोग कर सकते हैं और वो हिंदी सिनेमा हो सकता है। मैंने एक उदाहरण दिया, इसका मतलब कहने का मेरा ये है कि जो संदेश के संप्रेषण की जहां तक बात है, उसमें जो साहित्य की अन्य विधाएं जिन संदेशों को संप्रेषित करने में कामयाब होती हैं, वे संदेश सिनेमा के माध्यम से भी संप्रेषित होते रहे हैं और आज तक अब तक होते चले आए। अभी किसी लेखक का मैं एक संपादकीय पढ़ रहा था एक पत्रिका में, तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई थी और वो बात ये थी कि हिंदी के सिने दर्शक एक बहुत ही वाहियात फिल्म जो अभी हाल में रिलीज हुई एनिमल, जिसको सारे जो सिने समीक्षक हैं उन्होंने एक ओर से उसकी निंदा की, उसका विरोध किया और उसको अच्छी फिल्म नहीं माना। समाज में एक सुरुचि संपन्न दर्शक बनाने में, नागरिक बनाने में उसको उसकी भूमिका को नकार दिया। उसी के साथ सैम जो फिल्म आई थी मानेकशॉ पर, वह ज्यादा अच्छी फिल्म मानी गई लेकिन उसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि भाई एक बात तो इस आपके कथन से एक निष्कर्ष तो निकलता है कि हिंदी सिनेमा का जो दर्शक है वो अभी भी परिपक्व है, हिंदी सिनेमा का दर्शक अभी भी बेहतर कंटेंट को चुनने में कामयाब नहीं है। हिंदी सिनेमा का दर्शक अभी भी ऐसी फिल्में वह पसंद करता है जो फिल्में आज के 30-40 साल पहले फॉर्मूला फिल्मों के दौर की फिल्मों के रूप में, जो बहुत मार धाड़ वाली, खून खराबे वाली, हत्या और बलात्कार वाली फिल्मों का एक दौर था, खास करके 90 के दशक में, 80 के दशक के उत्तरार्ध में, और वो काफी समय तक चलता रहा और वो अभी भी हमारे सामने आ जाता है। तो अभी हमने एक अच्छा सिनेमा का दर्शक हम निर्मित नहीं कर पाए। हिंदी सिनेमा जो हिंदी को दुनिया के धरातल पर पहुंचाने के लिए विदेशों में लोग हिंदी सीखते हैं, हिंदी फिल्मों को समझने के लिए, हिंदी डायलॉग्स को समझने के लिए, हिंदी गीतों को समझने के लिए, तो ये सारी जो हिंदी सिनेमा की खूबियां रही अपने आरंभ से लेकर आज तक, सिनेमा ने जो यात्राएं की, सिनेमा में एक साहित्यकार के रूप में, एक हिंदी लेखक के रूप में, आप कह दीजिए हिंदी क्रिएटिव राइटर के रूप में, जो हिंदी के लोगों ने अपनी भूमिका का निर्माण किया है, उनके जो प्रदेय रहे हैं, उन प्रदेयों को कभी भी हमने चर्चा का विषय नहीं बनाया। हमने उनको हमेशा दोयम दर्जे का रचनाकार माना, हेय दृष्टि से हमने उनको देखा, जबकि आप देखें कि हिंदी साहित्य के पाठकों की संख्या की तुलना में हिंदी सिनेमा के दर्शकों की संख्या लाख गुना, अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ज्यादा है, डेटा मेरे पास कोई नहीं है, वो करोड़ों गुना भी हो सकती है। कहने का मतलब हम डेटा और आंकड़े पे न जाएं, हम देखें कि वह फिल्म, वह हिंदी फिल्म जो इतने बड़े दर्शक की चेतना को प्रभावित कर रही है, इतने बड़े दर्शक वर्ग के चिंतन, मनन, सृजन और जीवन के बारे में निर्णय को प्रभावित कर रही है, उसके बारे में हिंदी की अकादमी इतना मौन क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ होता है, और वो क्या कारण है कि हम स्वयं अपने को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं।
कि हम हिंदी के अकादमिक पाठ्यक्रम में सिनेमा को स्थान दे सकें, शोध के कार्यक्रमों में, शोध के पाठ्यक्रमों में हम सिनेमा को जगह दे सकें, हिंदी सिनेमा को जगह दे सके। तो ये मेरी जो बुनियादी प्रस्तावना है वो ये है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। मैं एक पीपीटी शेयर करना चाह रहा हूं, अगर मैं सफल हुआ तो उसके माध्यम से, और अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो आपको दिखाई पड़ रहा है? जी सर, दिखाई दिख रहा है सर। ठीक है ना, तो ठीक है, हम इस माध्यम से हमने इसको शीर्षक तो दिया है सिने गीतों, और गीत इसलिए दिया है क्योंकि जो फिल्म होती है। अच्छा, एक बात और यहाँ बताने की जरूरत है कि अब वो समय आ गया है जब हम हिंदी सिनेमा को पाठ्यक्रम और शोध का विषय बनाएं। उसका कारण ये है कि सिनेमा पहले बहुत महंगी दिखा थी, फिल्म निर्माण अपने आप में एक बहुत ही बड़े निवेश की मांग करता था, और साथ ही साथ अगर आप फिल्म के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, फिल्म के बारे में कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास फिल्म देखने की सुविधा होनी चाहिए। और आपको बता दें कि बंबई में मेरे अध्यापन के दौरान मैंने जब पत्रकारिता का लक्ष्य किया था तो हम लोग फिल्म रिव्यू लिखते थे, और उन्हीं फिल्मों के रिव्यू लिखते थे जिन फिल्मों को देखने के लिए उन फिल्मों का पीआरओ हम सबको आमंत्रित करता था कि हम आए और मुफ्त में फिल्म देखें, और उसका जो अन्य प्रबंध है यानी नाश्ता पानी से लेकर के खाने पीने तक का प्रबंध को हम एंजॉय करें, और इसके बाद उसके फिल्म के बारे में रिव्यू लिखे। कई बार जब कोई फिल्म बहुत रहस्यमय होती थी, उसमें कोई बहुत बड़ा सेक्रेट होता था, तो वो हमसे ये रिक्वेस्ट भी करते थे कि इसको सर रिव्यू में रिवील मत कीजिएगा, वरना लोग फिल्म देखने नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि हम तब जाते थे और फिल्म को देखते थे और उस पर एक सतही रिव्यू लिख देते थे। सतही रिव्यू इसलिए लिखते थे, हमारे पास ये सुविधा नहीं थी कि वो जो फिल्म थिएटर में दिखाई जा रही है, अगर किसी दृश्य पे हम ठिठक जाएं, किसी दृश्य पे हम ठहर जाएं, या कोई दृश्य ऐसा है जो बहुत ही व्यापक संदेश प्रसारित कर रहा है, तो उसको हम जरा और गहराई से देख लें, ऐसा अवकाश हमको वहां भी नहीं मिलता था। क्योंकि एक बार जो फिल्म चलनी शुरू होती थी तो न तो वो रिवर्स होती थी, न तो वो फास्ट फॉरवर्ड की जाती थी, और वो फिल्म दोबारा देखने का मौका भी नहीं लगता था। तो हम लोगों को चूंकि रिव्यू लिखनी होती थी तो बहुत सधे हुए होकर उस अंधेरे रिव्यू थिएटर में भी नोट पैड और कलम लेकर बैठते थे कि, और अपनी स्मृति और जो कुछ भी अंधेरे में बैठ कर दर्ज कर लेते थे उसके माध्यम से हम अपनी बात लिखते थे, और वो बहुत ही सतही लेखन सिनेमा का होता है। अगर कोई और आज तक हिंदी सिनेमा पर हिंदी में जो लेखन मिलता है ज्यादातर वो इसी तरह के सतहीपन का शिकार है। उसका कारण भी यही है कि कभी गंभीरता से हिंदी सिनेमा के महत्व पर, हिंदी सिनेमा एक कला के रूप में उसके योगदान पर, और उसकी जो बड़ी जन में जो उसकी पहुंच है, उसकी जो व्यापकता है, उस पर गौर किया गया। और उसका एक कारण यही रहा कि इतनी सहजता से बार बार हमारे लिए उपलब्ध नहीं। जब वीडियो वीसीआर आए तब भी कैसेट खरीदना ये इतना आसान नहीं था, हर सामान्य लेखक कैसे खरीद करके फिल्म को बार बार देख सके, किराए पर लेकर उसे देखने में और भी संकट थे। फिर सीडी का चलन आया तब भी स्थितियां कमोबेश वही रही, लेकिन जब से इंटरनेट की दुनिया हमारे सामने खुल गई, तमाम तरह के ओपन आर्काइव्स हमारे सामने अब उपलब्ध हो चुके हैं। यूट्यूब ही नहीं, तमाम तरह के दूसरे मंच हमारे सामने अब उपलब्ध हैं, जहां पर हम किसी भी नई पुरानी फिल्म को एक नहीं, एक से अनेक बार
देख सकते हैं और बिना कोई खर्च किए, अतिरिक्त खर्च किए, या तो सामान्य अपने खर्च में जो हम डेटा या नेट इस्तेमाल करने के लिए खर्च करते हैं, उतने ही खर्च में हम सिनेमा, किसी भी फिल्म को, किसी भी सिनेमा को एकाधिक बार देख सकते हैं और उसके बाद अपनी राय बना सकते हैं, उसकी भूमिका पर चर्चा कर सकते हैं। एक चीज यहाँ और ध्यान में रखने की है कि हिंदी की दुनिया में, भारतीय लोक मन में, अगर रामचरितमानस ने ऐसा कालजयी स्थान प्राप्त किया कि जन जन में वह स्वीकार्य हुआ और जो लोग गिरवटिया मजदूर के रूप में इस देश से बाहर ले जाए गए, उन्होंने अपने अपने देशों में रामचरितमानस को वहां पर प्रतिष्ठित करने में बड़ी भूमिका निभाई। जहां भी भारतीय प्रवासी मजदूर हैं, जो 1830-35 के समय से लेकर वहां पर अधुआ गिरवटिया मजदूर के रूप में ले जाए गए, उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की रक्षा करने में इस ग्रंथ का बहुत बड़ा उपयोग किया है, रामचरितमानस का उपयोग किया है। अभी गत वर्ष फिजी में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जिसमें मुझे जाने का अवसर मिला था, मैंने वहां पर देखा कि हर शनिवार को जिनके पूर्वज 100 साल से भी अधिक समय से भारत की मूल भूमि को छोड़कर, हिंदी अंचल की भूमि को छोड़कर जो वहां जाकर बस गए, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचाने में इस एक ग्रंथ को उन्होंने अपनी छाती से लगाया था, वह रामचरितमानस रहा। लेकिन रामचरितमानस इतना लोकप्रिय कैसे हुआ? तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि तुलसीदास ने केवल रामचरितमानस की रचना ही नहीं की, बल्कि रामचरितमानस की रचना करके उसके जो संदेश है, उसमें जो राम का जीवन और आचरण है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए तत्कालीन रामलीलाओं को प्रश्रय दिया, रामलीलाओं का को उन्होंने आगे बढ़ाया और बड़ी संख्या में आज आप देखें कि बनारस में, जहां से रामलीलाओं की शुरुआत मानी जाती है, और पूरे देश में, मैं मुंबई में रहा जो एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन और बड़ा महानगर है, आप कह लीजिए कि वो एक तरह से इंटरनेशनल सिटी है, और मैं अहमदाबाद में हूँ, गांधीनगर में हूँ, यहाँ पर भी रामलीलाओं का मंचन होता है। कहने का मतलब ये, अखंड रामायण के पाठ होते हैं, इन सब के चलते एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने रामचरितमानस की अर्धालियों को, रामचरितमानस की दोहों को, उनकी पंक्तियों को अपने जीवन के तमाम निर्णय करने में महत्वपूर्ण माना। गांव में आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, जब हम किसी एक विषय पर उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं, या कोई बात फंस गई है और उसके निस्तारण के लिए कोई विकल्प सुझाने को कहते हैं, तो रामचरितमानस को ही उद्धृत करके आगे की राह बताते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सिनेमा के गीतों ने भी ऐसी भूमिका निभाई है कि बहुत बड़ी? यह निर्णय किया होगा गीत को सुनकर कि उन्हें जीवन में आगे क्या करना है। तो इसलिए मैंने गीतों को चुना, क्योंकि गीत केवल फिल्म का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन फिल्म का हिस्सा होने के बावजूद वो फिल्म के हिस्से से बाहर निकल के अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। किसी का ऑडियो ऑन है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, कृपया ऑफ कर लीजिए, जिसका भी है एक बार अपना चेक करके ऑफ कर लीजिए। मेरी आवाज सुनने में कोई बाधा है तो मुझे जरूर बताइएगा। सर सुनाई दे रही है, स्पष्ट आ रही है, आ रही है। यदि कोई असुविधा हो तो बताइएगा, मैं उसको चेक। टीवी नहीं चल रही आगे। ठीक ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि सिने गीतों में शोध की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो जो मैं अभी आधार बातें कह रहा था, उन्हीं को थोड़ा मैं आगे और विस्तृत कर रहा हूं कि साहित्य और सिनेमा का अंतर संबंध क्या है।
हम लोग जिस तरह से साहित्य के परिभाषा, साहित्य के तत्व, साहित्य के हेतु, साहित्य के प्रयोजनों पर चर्चा करते हैं, और आप सब हिंदी के सुधी अध्यापक हैं, तो आपने ये सब अच्छी तरह न सिर्फ पढ़ रखा है बल्कि अपने विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ाते रहे भी होंगे। आप देखें कि यह जो भाव तत्व है, बुद्धि तत्व है, कल्पना तत्व है, शैली तत्व है, क्या इसकी उपस्थिति हमें हिंदी सिनेमा में नहीं दिखती? यह जो साहित्य के हेतु जिनको हम कहते हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि, क्या इसकी अनुपस्थिति को कोई सजग व्यक्ति स्वीकार कर सकता है कि नहीं, ये चीजें उपस्थित नहीं है? क्या सिने निर्माण में प्रतिभा की भूमिका नहीं है? मैं जब सिने निर्माण कह रहा हूं तो उसके समस्त अंगों की बात कर रहा हूं, और समस्त अंगों का मतलब आप समझ रहे हैं, उसमें गायन भी है, अभिनय भी है, वादन भी है, सब कुछ उसमें शामिल। तो ये जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि, इसकी भी बड़ी भूमिका हम सिनेमा में देखते हैं। तो जिस तरह से साहित्य के और सिनेमा में तात्विक एकता देखी जा सकती है, उसी तरह से साहित्य और सिनेमा के हेतु में भी समानता नजर आती है। जहां तक प्रयोजनों का सवाल है, साहित्य के प्रयोजन और सिनेमा के प्रयोजन को भी अलग नहीं किया जा सकता। हो सकता है कहीं कोई प्रयोजन साहित्य में ज्यादा महत्व के हो जाते हैं, या सिनेमा में कोई और प्रयोजन ज्यादा महत्व का हो सकता है, होता है, और उसके पीछे भी तकनीकी कारण है, और आप समझें कि वो जो तकनीकी कारण है वह भी अब काफी हद तक बदल रहे हैं, काफी हद तक अब वो वैसे नहीं रहे जैसे 30-50 साल 100 साल पहले थे। तो ऐसे में साहित्य और सिनेमा में काफी निकटता हम देखते हैं, तो क्यों ना हम उसे यह कोशिश करें कि उनको साथ लाया जाए, और हिंदी के पठन पाठन में जिस तरह से हम उपन्यास पढ़ाते हैं, कविता पढ़ाते हैं, कहानियां पढ़ाते हैं, आप बताइए मुझे कि उपन्यास, कविता, कहानी हम क्यों पढ़ाते हैं, नाटक हम क्यों पढ़ाते हैं? बड़ी विडंबना है हमारे नाटक के पाठ्यक्रम में कि हम नाटक में वो नाटक पढ़ाते हैं जो नाटक किताब के रूप में प्रकाशित हो। आप सोचें कि नाटक किताब में प्रकाशित होने की विधा नहीं है, नाटक जो है वो मंच पे अभिनीत होने की विधा है। हमारा जो पूरा काव्य शास्त्र है, जो हमारा पूरा काव्यार्थ निरूपण है, उसकी शुरुआत नाटक से होती है। जो लिखित विधा तब भी नहीं था, तब भी वह मंच पे मंचित होता था, और उसके माध्यम से हमने पूरा काव्य शास्त्र डेवलप किया, विकसित किया। तो अब आप देखें कि जब वह एक दृश्य माध्यम है, लेकिन हिंदी में शोध किस पे होगा? हिंदी में शोध उन पर होगा जो किताब के रूप में प्रकाशित हो जाए। विडंबना नहीं तो और क्या है? मुझे आप बताइए कि हिंदी के नाटकों पर जिन लोगों ने भी शोध कार्य किया है, आप लोग जो यहाँ पे 50-60 की संख्या में बैठे हुए हैं, हो सकता है इनमें से किसी ने हिंदी नाटक पर शोध किया होगा। तो वो किनके नाटकों पर शोध करते हैं? उनके नाटकों पर शोध करते हैं जो नाटक की कृति को प्रकाशित करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे नाटककारों की है, ऐसी स्क्रिप्ट की है जिसपे नाटक मंचित किया जाता है। ऐसे बहुत से समूह है, नाट्य समूह है, जो निरंतर नाटक मंचित कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यों पर हमारा कोई शोध नहीं। यह विडंबना है कि नहीं है? आप इस पे चर्चा सत्र में मुझसे जरूर बात कीजिएगा कि क्यों हम ऐसी तमाम जो बड़े बड़े नाटककार, बहुत से नाम मैं गिना सकता हूँ जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके भी, और जो उनके पहले हुए उनके भी, और जो अभी भी सक्रिय हैं मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, देश के कोने कोने में, जो हिंदी नाटक लेके चल रहे हैं, मराठी के नाटक लेके चल रहे हैं मराठी में, तो उन मंचित होने वाले नाटकों पर हमारा काम क्यों नहीं होता? उस पर हम शोध कार्य क्यों नहीं करते? अगर वो स्क्रिप्ट उपलब्ध नहीं है तो वो स्क्रिप्ट भेजा दे सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे मांग कर ला सकते हैं कि हमने क्या प्रवृत्ति बना ली है कि जो रेडीमेड मटेरियल उपलब्ध होगा उसके आधार पे हम उसमें जो बातें कही गई होंगी उन्हीं को दोहरा के
अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं। तो जैसे नाटक पर शोध की एक संभावना एक क्षितिज यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे एकजुट नाट्य मंडली है, जैसे वामन केंद्रे की नाट्य मंडली है, नादिरा जहीर बब्बर की नाट्य मंडली रही है, इसके पहले दिनेश ठाकुर की रही है, ऐसे तमाम बड़े बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन मंच को परखपा दिया। इन सब के जो नाटक मंचित हुए जिसकी स्क्रिप्ट प्रकाशित नहीं हुई है, क्या उनपे शोध नहीं किया जाना चाहिए? ठीक उसी तरह फिल्मों को भी हमें देखने की जरूरत है। आखिर यह भी तो क्या करता है, ये वही कार्य करता है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो जो हम साहित्य के कार्य मानते हैं, जो साहित्य की भूमिका हम जीवन में देखते हैं, वो सारी भूमिका सिनेमा भी करता हुआ दिखलाई पड़ता है। अब आपके मन में सवाल शुरू से ही आ रहा होगा, इसलिए उसको मैं अभी यहाँ पे उसका समन करते हुए आगे बढ़ूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना भी सिनेमा बनता है सब चर्चा के लायक होता है, सब अध्ययन के लायक होता है, सब विमर्श के लायक होता है, विवेचन विश्लेषण के लायक होता है। तो वैसे ही बहुत से लोग कविता लिख रहे हैं, बहुत से लोग कहानियां लिखते हैं, बहुत से लोग लुगदी उपन्यास लिखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको चर्चा का विषय बनाया जाए, और वो चर्चा का विषय बनता भी नहीं है। तो जिनमें ताकत होगी, जिनमें वह शक्ति होगी, वह तो चर्चा का विषय बनना चाहिए। तो ऐसी फिल्में हमारे 100 साल के इतिहास में क्या नहीं बनी होंगी जिनमें वो ताकत थी जो जनचेतना को दो है परिवर्तित करने की, उनमें शक्ति थी उसको परिष्कृत करने की, का उसमें मादा था। क्या उन फिल्मों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए था? मैं यहीं से अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि अभिव्यक्ति का माध्यम साहित्य है, तो सिनेमा भी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, बहुत ही प्रभावी। इस तरह से हम ये मानते हैं, प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल होना चाहिए। हो गया है साहित्य राजनीति के आगे क्या चलेगा, राजनीति का पिछलग्गू हो गया है। राजनीति का पिछलग्गू हो गया है कहने से मतलब ये कि वो अपने राजनीतिक आकाओं का और मूड देख के तय करने लगा है कि उसको क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या आकाओं को पसंद आएगा, क्या आकाओं को पसंद नहीं आएगा, कौन सी बात करने से आएगा। यह जो आजादी हमारी है, एक साहित्यकार की आजादी है, एक आजादी है, एक सिनेमा निर्माण करने की आजादी रही है। तो यह जो हमारी आजादी रही है, यह आजादी हमारे रचनाकारों को जो मिली हुई थी, वही तो हमारे सिनेमा के लोग भी उसका उपयोग करते रहे हैं। तो अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में, परिवर्तनकारी चेतना के प्रसारक के रूप में, परिवर्तन कामी आंदोलनों की प्रेरक और पथ प्रदर्शक के रूप में, तो जैसा मैं कह रहा था कि प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति को दिशा दिखाएगा, आज भी वह स्थिति आ सकती है जब एक साहित्य राजनीति को दिशा दे, साहित्यकार राजनीति को दिशा दे, एक सिनेमा राजनीति को दिशा दे। और हम सब अगर विगत वर्षों के कुछ सिनेमा, कुछ खास फिल्मों पर नजर दौड़ाएं, तो आप पाएंगे कि राजनीति को प्रभावित करने में सिनेमा की बड़ी भूमिका है। एक बहुत ही लोकप्रिय मसालेदार फिल्म बनी थी, लगे रहो मुन्ना भाई, एक फिल्म उसकी सीरीज का पहला हिस्सा था मुन्ना भाई MBBS। एक फिल्म है तारे जमीन पर, तारे जमीन पर का तो महत्व अलग है, उसकी अलग चर्चा करूंगा। लेकिन क्या आप ये कह सकते, नहीं कह सकते कि लगे रहो मुन्ना भाई ने जिस तरह से भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और उसका परिणाम ये हुआ कि भ्रष्टाचार हटाने के लिए एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो गया, और उसके परिणाम स्वरूप एक सत्ता जो इतने दिनों से काबिज थी, उस सत्ता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव के माध्यम से उसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और एक नई सत्ता को जगह मिली। जिस तरह से साहित्य हमारे अच्छे भावों को प्रेरित प्रभावित करता है, तो कई बार वह
भाव को भी प्रभावित और उत्तेजित करता है, उसी तरह से फिल्में भी ये करती हैं। तो मैं न तो लुगदी साहित्य का समर्थन करना चाहता हूँ, न मैं बीसी कचरी फिल्मों का समर्थन करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा हम समाज बनाएंगे, जैसा हम पैदा करेंगे, यानी नजर पैदा करेंगे, वैसा ही सिनेमा भी इस देश में विकसित होगा, उतना बेहतर सिनेमा भी इस देश के लिए उपलब्ध होगा। नहीं तो आप सब इस बात से भली भांति परिचित है कि औसत दर्जे के मस्तिष्क वाले, औसत से कम दर्जे की बुद्धि वालों का सबको समझाने के लिए सिनेमा कामयाब हो जाता है, जबकि साहित्य कामयाब नहीं हो पाता है। यह भी ध्यान देने की बात है, सिनेमा चीजों को इतना डाइल्यूट भी करता है जिससे कि वो एकदम सामान्य अपनी बात को पहुंचा दे, बिल्कुल बुद्धि से हीन है। यह जो उसकी ताकत, इसके लिए जो परिश्रम करता है, संदेश को जो डाइल्यूट करता है, उसको भी तो हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। लाज करके, उसकी उपेक्षा करके हम सिनेमा को हेय और त्याज्य जो अब तक बताते चले आए हैं, उससे हमको बाहर निकलना चाहिए। प्रगतिशील जीवन और विचारों की प्रस्तुति, आदर्श का चयन, सृजन और निरूपण करने में सिनेमा की भूमिका वही है जो साहित्य की भूमिका है। यथार्थ की पुनर्रचना, यथार्थ की पुनर्रचना, पुनः प्रस्तुति। आप देखें कि दौर को हमारा सिनेमा हमारी आंखों के सामने उपलब्ध कर देता है। इसमें बहुत सी कमियां भी आ जाती है, कई बार बहुत से बाद भी उठ खड़े होते हैं, तो कई बार उसका जो संदेश है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, और उसकी बड़ी प्रशंसा, बड़ी सराहना और राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त होते हैं। यथार्थ की पुनर्रचना, पुनर्प्रस्तुति, आदर्श की प्रस्तुति के माध्यम से आकर्षण पैदा करना, एक प्रधान कार्य है। बच्चियों का पोषण, बच्चियों का बचाव और नए विषयों का उत्पादन, जो साहित्य निभाता है, सिनेमा बढ़ चढ़ कर निभाता हुआ हमारी संस्कृति के संवर्धन, उसके विस्तार में सिनेमा की भूमिका जग जाहिर है। आप देखें बहुत से पर्व त्योहार, बहुत से अकबर का अमृत अमृत कर साइड जो करिए, बहुत सी मान्यताएं जो क्षेत्र विशेष में बिना कुछ के पाछे पहले तो अकबर का ध्वंस था ना, ऐसा होती है, आप अकबर मानी जाती है, व्यवहारिक होती है, लेकिन वो कैसे सिनेमा में आके पूरे देश में जब तक नया स्वीकार कर लेते हैं, नॉर्मली वेशभूषा भाषा वैधता भी देती है, वो सिनेमा करता है। ये भी आरोप लगाते हैं जो भी है सिनेमा किसी की हत्या कर दी या किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, लेकिन कितने लोगों ने सिनेमा देख के प्रेम करना सीख लिया, कितने लोगों ने सिनेमा देख करके प्रेम में प्रतिदान की आकांक्षा करना छोड़ दिया, कितने लोगों ने सिनेमा को देख करके घर परिवार के मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, इसको भी हमें ध्यान में लाने की। पुनर्सृजन और उसकी व्याख्या, पुनर्वाद व्याख्या का काम भी सिनेमा निरंतर करता है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम कुछ और मुद्दों पर देखेंगे कैसे सिनेमा के जुड़ते हैं। साहित्य व्यक्ति से संवाद करता है, जबकि सिनेमा एक समूह से संवाद करता है। रचनाकार ने की एक पुस्तक, एक कृति को एक व्यक्ति जब पढ़ता है तो वह व्यक्ति उस रचनाकार से, उस कृति, उस विधा के माध्यम से संवाद कर रहा होता है। जब वह
सिनेमा देखता है तो वह सिनेमा अकेले नहीं देख रहा होता है, वह एक समूह के साथ देख रहा होता है और एक समूह की विचारणा को पर्दे पर देख रहा होता है, तो यह समूह से सम्मान होता हुआ दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि साहित्य वैसे इस बात को मानने वाले लोग कम है कि साहित्य स्वार्थ का सुखाए रचा जाता है। हाँ, साहित्यकार अपने बचाव के लिए अंत में इसका उपयोग कर लेता है, ये मैंने स्वान का सुखाय रचा है, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य सर्वजन हिताय ही होता है, जबकि सिनेमा तो सर्वजन सुखाय ही साहित्य रचनाकार का एकल प्रयास होता है, जबकि सिनेमा रचनाकार की सामूहिक दरवाजे के साइड वाला जो है रचनाकार खिड़की का साइज ले लेना अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध जो प्रतिभाएं हैं ले लेना मिलकर के सिनेमा का उतना ही होगा ना था उनका क्या होगा संवेदनात्मक अनुभव किया है उतना ही होगा ना था उनका एक व्यक्ति जो भी हो की सहानुभूति एक व्यक्ति की सहानुभूति एक व्यक्ति का और साहित्य है और वह उसके अनुभवों का शब्दांकन है। सिनेमा में एकल उत्कृष्ट की सामूहिक निर्मिति प्रस्तुत की जाती है। होता है, रंग भी होते हैं, चित्र भी होता है, गीत भी होता है, संगीत भी होता है, यानी जितने भी हमारे हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन सब को महसूस हो सके ऐसा, यानी हम समस्त इंद्रियों से तो आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, वह आनंद सृजित होता हमें महसूस होता है सिनेमा के माध्यम से। सिनेमा एक तरह से नाटक का तकनीकी सहायता से किया हुआ एक विस्तार ही है। सबसे करीब नाटक के सिनेमा को हम रख कर देखें तो हम पाएंगे कि जिस तरह से सिनेमा नाटक को पंचम वेद कहा गया, सिनेमा को इतना हे क्यों कहा गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हमारे लिए बनता है। कल्पना का एकिक विस्तार एवं अनंत रूपांतरण साहित्य में होता है। हाँ, यहाँ पे सिनेमा कल्पना का सीमित विस्तार करती है और मूर्तता प्रदान करती है। जैसे अगर एक उपन्यास को पढ़ते हुए एक नायक या नायिका के बारे में जब लेखक आपको बताता है तो आपकी कल्पना शक्ति सक्रिय होती है और उसके माध्यम से आप नायक और नायिका का एक अनुमान अपने जहन में करते हैं, जबकि सिनेमा आपको दिखा देता है कि नायक ऐसा है या नायिका ऐसी है, तो एक तरह से वो मूर्त हो जाता है। आप देखें कि बहुत से हम अन्य बातों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो धार्मिक विषय है उनमें जिन अभिनेताओं ने अभिनय कर दिया वो ही उस धार्मिक चरित्र के एक तरह से चित्र के रूप में इस्तेमाल होने लगते हैं। आप देखें कि रामायण इतना प्रसिद्ध हुआ धारावाहिक कि रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल कई बार कैलेंडरों में राम के रूप में देखे जाने लगे थे। ऐसे बहुत से समय समय पे आप रावण की भूमिका को देखिए, जितना अरविंद त्रिवेदी प्रसिद्ध हुए तो जैसे रावण अगर सच में कैसा होगा तो वह चेहरा अरविंद त्रिवेदी का दिखाया जाता है। दीपिका का भी यही हाल रहा, दीपिका चिखलिया जो सीता की भूमिका में रही। तो कहने का मतलब यह है कि वो कल्पना को एक सीमित विस्तार और मूर्तता तो देता है, लेकिन उसमें जो अभिनय होता है वह अभिनय की कल्पना एक सामान्य पाठक अपने पात्रों में कितना करता है यह विचारणीय है। पाठक के अनुभव और सामर्थ्य के अनुरूप सृष्टि होती है और यहाँ पर जो सिनेमा होता है वह बहुसंख्यक दर्शक की रुचि और आनंद हेतु सृजित होता है। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको सिनेमा से धन भी कमाना है क्योंकि सिनेमा एक भारी निवेश का माध्यम है। भाई इतने वर्षों से हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, म्यूट करना तो सीख लीजिए। म्यूट करना तो सीख लीजिए। कौन है जिसका, मैडम आपकी और सबका म्यूट हो सकता हो तो कर दीजिए। मेरी बात सुनाई पड़ रही है?
सर सुनाई पड़ रही है, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही? कोई एक आवाज बार बार आ रही है, बंद हो गया। आप भी अपना अपना चेक कर लीजिए एक बार, ताकि सर को अपना वक्तव्य देने में आवाज आ रही है सर, धीरे धीरे, पता नहीं किसका खुला हुआ है। नहीं सर, रोड है मेरा, आप अपना चेक कर दीजिए। जिसका भी खुला था ना, अभी मैंने देखा था, वो बंद कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। होता क्या है कि कृपया ध्यान रखिए, कृपया ध्यान रखिए, अब सभी से अनुरोध मेरा। तो साहित्य जो है वो एक व्यक्ति व्यक्ति से मनुष्यता की यात्रा कराता है, उसकी जनतांत्रिकता ये है, और सिनेमा की जनतांत्रिकता उसके समूह के प्रति, समूह के प्रति उसके दायित्व और उसकी दृष्टि होती है। सबसे जो बात महत्वपूर्ण जो मैं अक्सर कहता हूँ वो ये है कि जब हम साहित्य को पढ़ते हैं ना, उसके लिए साहित्य को समझने के लिए एक आरंभिक तैयारी की जरूरत होती है। ये कहने का मतलब ये कि एक दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ज्ञान का अगर एक उजाला नहीं होगा तो आप साहित्य की किसी भी विधा के मर्म को समझ नहीं पाएंगे, वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप बहुत कम पढ़े लिखे समझदार आदमी को आप कोई कविता दे दीजिए, कोई उपन्यास, कोई कहानी दे दीजिए, तो आपको क्या लगता है कि वो पढ़ के उसका अर्थ ग्रहण कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है, जबकि सिनेमा में जो बिल्कुल कम जहनियत का आदमी है वह भी सिनेमा के संदेश को प्राप्त कर लेता है। तो इसको मैं जब प्रतीकात्मक रूप से कहता हूँ तो वो इस रूप में कहता हूँ कि साहित्य को पढ़ने के लिए एक उजाले की दरकार होती है, जबकि सिनेमा अंधेरे में ही अपनी बात कहते हुए हमारे जहन में एक उजाला भरने की कोशिश करता है। इसको सिनेमा के थिएटर के अंधेरे से आप जोड़कर देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो जो अंधेरा है उसका भी अपना एक महत्व है। एक बात जो अब यहाँ से हम क्योंकि गीतों पे हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में हिंदी के गीतकार हुए हैं, हिंदी सिनेमा में गीतकार हुए हैं, और ये जो गीतकार हुए इन्होंने जो भूमिका निभाई है वह किसी भी कवि, किसी भी नव गीतकार या किसी भी अन्य हिंदी के रचनाकारों से कम भूमिका नहीं है। लेकिन क्यों और किस कारण से हमने इसको दर्जे का कृत्य मान लिया, यह विचारणीय है। आप देखें कि पंडित प्रदीप को हम हिंदी कवियों में एक बड़ा नाम मान सकते हैं, जिन्होंने सिनेमा का रुख किया। जब उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की थी तो उन पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लेख लिखा था हिंदी के नवीन कवि प्रदीप, और वो उनमें निराला ने वह सामर्थ्य देखी होगी, वह क्षमता देखी होगी, और इसके बाद वो हिंदी सिनेमा की दुनिया में आ गए। केदार शर्मा, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत, शैलेंद्र, राजेंद्र कृष्ण, नीरज, ऐसे अनेक हिंदी के रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के गीतकार के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और उनमें वो क्षमता, वह कुवत, और उनके बाद की भी पीढ़ी में रही कि वो जितना सिनेमा में वो प्रतिष्ठित हुए उतना ही वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी प्रतिष्ठित माने जाने चाहिए थे। सिनेमा में लिखे तो हिंदी साहित्य में भी उतने ही प्रतिष्ठित हमको उनको मानना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि हिंदी के बहुत ही सामान्य कवि पर हम शोधों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों ने पंडित प्रदीप पे, केदार शर्मा पे, नरेंद्र शर्मा के सिने गीतों पे, गोपाल सिंह नेपाली के सिने गीतों पे या शैलेंद्र के गीतों पे काम किया? शैलेंद्र की जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है और पूरे हिंदी अकादमिक दुनिया में आप देखेंगे तो जैसे सन्नाटा है, कोई उस पे सेमिनार करने को, कोई उन पे चर्चा करने को आपको नहीं दिखेगा। आपने ये बताता है अपने सिनेमा के गीतकार हमारे दूसरे साहित्य समतुल्य ही उनका योगदान रहा, लेकिन हम किन्हीं गलतफहमियों या किन्हीं अन्य कारणों से या कुछ अपनी ही त्रुटियों, कमजोरियों या फिर तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम उनसे
उर्दू के शायर के रूप में हिंदी गीत लिखते रहे वे उर्दू अदब में भी उतने ही सम्मानित उतने ही न सिर्फ प्रतिष्ठित हुए बल्कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अली सरदार जाफरी हिंदी सिनेमा में भी सक्रिय रहे। शहरयार ने हिंदी सिनेमा के कई नायाब गीत लिखे और उनको उर्दू का साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला। ख्वाजा अहमद अब्बास, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, अली सरदार जाफरी, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, नक्स लायलपुरी, आरजू लखनवी, जान इसार अख्तर, आज तक आ जाए तो जावेद अख्तर आदि ऐसे अनेक आपको नाम मिलेंगे। कैफी आजमी जिन्होंने उर्दू अदब में और हिंदी सिनेमा में बराबर की हैसियत बराबर का सम्मान अर्जित किया है। सिर्फ हमारे हिंदी के जो गीतकार रहे वह इस सम्मान से क्यों वंचित रहे यह आज विचार करने का समय है। तो हिंदी कवि बनाम उर्दू शायर, जैसा मैंने कहा हिंदी कवि जो सिनेमा में आए उनकी उपेक्षा हुई, उनको द्वयम दर्जे का रचनाकार माना गया, जबकि उर्दू में ये स्थिति न रही और वे उर्दू में भी बड़े सम्मान के अधिकारी बने रहे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 में और 1943 में भारतीय जननाट्य संघ की स्थापना हुई। दोनों की प्रेरक भूमिया एक ही थी और जननाट्य संघ के लोगों ने नाटकों में काम किया और बहुत बड़ी संख्या में सिनेमा में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो जिन लोगों ने नाटकों में काम किया वो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चर्चा में, नाटकों में शोध के बहाने से चर्चा हो जाती है, लेकिन जो सिनेमा में एकता के संदेश को पहुंचा रहे थे, प्रगतिशील संदेश को पहुंचा रहे थे, उनकी घोर उपेक्षा देखी, उनके द्वारा बनाई फिल्में हल्दी के लाल, नीचा नगर, कागज के फूल, नया दौर, ऐसी सैकड़ों से अधिक फिल्में हैं जिन्होंने भी भूमिका निभाई है। तो किसी उपन्यास, किसी काव्य संग्रह, किसी महाकाव्य, किसी खंड काव्य ने हमारे जीवन में और हिंदी चेतना संस्करण में निभाई है। आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं, इस तरह से हिंदी उपन्यास भारतीय नवजागरण परियोजना को आगे बढ़ाता है, उसी तरह से हमारी फिल्में भी नवजागरण की परियोजना बढ़ाते हुए दिखाई पड़ती है। ऐसी कई जो हमारे समय की समस्याएं रही है हिंदी सिनेमा ने और समस्याओं को आपने इसमें लाया। स्त्री जीवन की त्रासदी, समाज सुधार की जरूरत, धार्मिक सद्भाव, समता, समानता, बंधुत्व और प्रेम के नए स्वर, आप देखें कि हमारा जो सिनेमा का विकास है वह एक तरह से आजादी के दौर का भी समय रहा। आजादी के आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और पंडित प्रदीप लिखते हैं कि दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। आप देखें कि यह गीत जब किस्मत फिल्म में आया होगा इतनी बड़ी संख्या में उसने लोगों को प्रेरणा दी होगी। बाहर निकालना है उनको शिकायत भी होगी पंडित प्रदीप के ऊपर, यह जो आया है सेडिशन है, ये राजद्रोह है, यह अंग्रेजों के खिलाफ लिखा हुआ गीत है। जैसे भारतेंदु से लेकर हमारे परंपरा है उसमें वो सत्ता का प्रतिरूप तो रचते हैं, लेकिन इतना मुखर नहीं होते हैं कि सत्ता को सीधे नकेल लगाने मौका मिल जाए। वो अपने तरीके से उसमें वो बात भी कह देते हैं और अपने को सत्ता का कोप भाजन बनने से बचा भी लेते हैं। यह हुनर भी
हमारे हिंदी गीतकारों ने दिखाया है। नहीं निकल पाओगे तो बन गया। जब इस पे पकड़ा गया निकलना अलग, आपने तो ऐसा गीत क्यों लिखा, इसकी पंक्तियां बताई कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, अभी कौन सा जंग शुरू हुआ है आप मान कर सकते हैं, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों। यहाँ पे जो बचने का शब्द हमको मिला वो है जर्मन और जापानी, तो हमको मिला के चले गए। याद है कि दूसरे विश्व युद्ध अंग्रेजों के यानी ब्रिटेन के खेमे में लड़ रहे थे, तो ब्रिटेन के उसी को यहाँ पे चिन्हित किया गया है यह बता करके अपने अपनी रक्षा करने का सहारा मिला। बैन लग जाता, फिल्म पर बैन लग जाता और प्रदीप का कैरियर भी असमय खत्म हो जाता, लेकिन जर्मन हो या जापानी कह देने से जर्मन जापानी को जितना संकेत जा रहा है उतना ही संकेत बरतानी को जा रहा है, यह बात बताने की अलग से जरूरत है। तो राजनीतिक स्वर और समाज सुधार का जो कार्य तुम बोलो हिंदी कविता ने किया, गीतकारों ने किया, वही तो सिने गीतकारों ने भी किया है। शास्त्र और लोक के बीच सेतु का जो काम हिंदी सिने गीतकारों ने किया है वह तो बहुत बड़ा काम है। कुछ लोग शास्त्रीय को अच्छी तरह समझते हैं, शास्त्र को अच्छी तरह समझते हैं, बनेगा तभी हो। लेकिन लोक से अनभिज्ञ होते हैं, कुछ लोग को जानते हैं लेकिन शास्त्र की उनकी समझ थोड़ी कम होती है। तो लोक और शास्त्र दोनों को जो जोड़ता है अपने आप में बड़ा काम है। परेशानी सिनेमा के गीतकारों और संगीतकारों ने किया, ये तो नहीं पूर्व और पश्चिम का मिश्रण अभिजन के लिए भी और आम जन के लिए उन्होंने जो लेखन किया वो अभिजन के लिए भी था, अभिजात वर्ग के लोगों के लिए भी था और जो आम लोग थे उनके लिए भी था। और यह लेखन ऐसा हो सकता है जब वह पहले जिनके गाना खान थे और वो स्वयं उस फिल्म में आलम आया जो पहली शराब फिल्म है उसमें अभिनय कर रहे थे, तब पार्श्व गायन नहीं था तो जो अभिनय करता था वही गाता था के नाम पर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको कुछ अच्छे से मतलब नहीं है, हम छोड़ दिए ना तू जैसे करके तू आएगा क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, यानी वो सब गोची है डरता है, बोलेगा ढंगों का तब ना बोलेगा, बिना सुनाई पड़े तो बताइए जो बोलता है, बच्चा को कुछ नहीं बोल पाता है वो, जो कोई प्रोग्राम होता है उसको डायलॉग मारेगा, यस सर दिख रहा है, उसको बोले नहीं आता है, नहीं सर नहीं दिख रहा है आपकी स्लाइड का नहीं दिख रही है, बोलना पड़े समझ में वाला लिखा हुआ सर दिख रहा है उसमें उसी को घुसाएगा नेता जी भी वो जैसा स्थिति है ये हाल रास्ता टाइम दिख रही है ना तो कैसे है बात वही वाला पहले वाला है पहले वाला डर रहा है पहले वाला अभी मतलब ये हुआ देख रहा है ऑडियो है वो शेयर करना चाहता है अभी करेगा क्या मुश्किल लग रहा है जिसको ना बोलने आता कुछ ना कि तब भी मैं एक बार फिर से उर्दू की तरफ उर्दू पढ़ना शुरू करके कोशिश कर रहा हूं बच्चा की तरफ शेयरिंग पर सर जब आपका चलेगा तो ऑडियो वीडियो नहीं आएगा इसमें सर एक ही तरह से प्रेजेंटेशन हां जी ऐसा ही होता है सर आप यहां से बोलेंगे तो वहां से ऑडियो प्ले नहीं होगा सर एक मिनट रुक जाइए मैडम मुझे तो बोला था क्या करते सर कोशिश करने देंगे हां जी बिल्कुल सही है हां है देखिए कैसा होगा कोशिश करने दीजिए जाने डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ऐसे
सर हो गया कीजिए उसको अनम्यूट भी तो कीजिए उसका ऊपर बटन अनम्यूट का नजर आ रहा है उसी स्क्रीन पर अनम्यूट बटन बना हुआ है उसको अनम्यूट करिए अनम्यूट है सर वो ऊपर क्या हुआ है ऊपर ऊपर बटन अनम्यूट है सर म्यूट है सर ऊपर उसी स्क्रीन पर मजेस्टिक आला मारा जहाँ लिखा हुआ सर अनम्यूट बना हुआ है उसको म्यूट है सर अनम्यूट कर नहीं वो नहीं दिख रहा अब हो रहा है एक बार और ट्राई ले तो हो रहा सर वो अनम्यूट करिए उसको म्यूट है सर वो आएगा तब आवाज आएगी वो ऊपर अनम्यूट है सर सर ऊपर में एक माइक का बटन है जो कट किया हुआ है उसे सब कर दीजिए अनम्यूट कर दीजिए सर सुनने का आवाज क्यों बोल रहा है ठीक है नहीं सुनेगा तो क्या जाएगा चलिए कोई नहीं हाँ अब जो नहीं हुआ उसके लिए क्या करें जितना हम लोग समझ लिए आवाज नहीं आ रही थी जी आपने पहला गाना तो आपने देख ही लिया कि गाना सुना दे दे म्यूट क्यों लोग बोल रहा है वो गाना सुन के करेंगे इच्छा है तो कौन सा गाना लोगों को सुनते हैं कौन सा कौन लिखा है और आप देखिए एक बात और भी ध्यान देने की है हिंदी सिनेमा की अपनी विशिष्टता है विश्व के सिनेमा में भारत के बाहर के सिनेमा में गीतों की ऐसी उपस्थिति नहीं है जैसे हिंदी सिनेमा में और आप देखें कि आला मारा से जो शुरुआत होती है इसमें कुल 7 गीत थे अब्दुल हसन फिल्म बनी जिसमें 22 गीत रहे लैला मजनू फिल्म बनी उसमें 24 गीत रहे सत्यवादी हरिश्चंद्र फिल्म में 27 गीत रहे चतुर बकवली फिल्म बनी उसमें 49 गीत रहे इंद्र सभा में 69 गीत अब आप देखेंगे इतने सारे गीत सिनेमा में एक फिल्म में आए इतने सारे जो गीत आए इन गीतों की जो भूमिका रही उसको हमने जितना जरूरी था तुम तो इधर जा रही हो नहीं दिया कंफर्म ने वाला कब है नहीं ये लोगों के लिए बात निकाला है कि पिकनिक जाना होगा तो और क्यों शेयर कर रहा है मुझे ही करने दो कोई ललिता कुछ शेयर कर रही सिस्टम होगा बच्चा हम आते हैं अपनी एक्टिविटी पे आगे बढ़ते हैं अगर कुछ और बन पड़ा तो मैं आपको कुछ और एक आध गीत सुनाने की कोशिश करूंगा आगे बढ़ते हैं अब जो इनकी भूमिका होती है सिनेमा जो सामान्यतः साहित्य की भूमिका होती है कविता की भूमिका होती है वह भूमिका ये गीत भी तो निभाते हैं हमारे जीवन में देखना है जैसे पहला एक भूमिका मैंने चिन्हित किया है भावावेश का शमन देख लो हमारे तमाम आवेगों के शमन करने में गीतों की कविताओं की बड़ी भूमिका होती है आप बहुत दुखी हैं बहुत ही निराश हैं आप आपकी जब की पूजा में पढ़ते हैं कि आराधन का आराधन से दो उत्तर बड़ो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर वहां पर राम जिस तरह से निराश हैं जिस तरह से दुखी हैं जिस तरह से सीता के साथ प्रथम मिलन का स्मरण हो रहा है वो जो उनके आवेग हैं वो भी में भी हम देखते हैं और वहां पर भी वह वही भूमिका निभाता हुआ नजर आता है निराशा और दुखों का विरेचन अब ये गीत मैं सुनाता आपको तो बड़ा आनंद आता है लेकिन हो सकता है आपको दृश्य दिख जाए और गीत ना दिखा पाए बार बार मुझे अलग अलग विंडो आपको शेयर करना पड़ेगा इसीलिए अगर ये रोशनी मैडम ऑफलाइन बुलाई होती तो और अच्छी तरह से हम लोग इसका आनंद ले पाए आशा और उत्साह का प्रसारक यह काम
सिनेमा भी सिनेमा के गीत भी करते हैं और साहित्य के अंतर्गत होने वाले गीत और कविताएं भी करते हैं। बट इनका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि कथा और दृश्य का अतिक्रमण कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि सिनेमा में आए हुए जो गीत हैं वे तो क्यों नहीं आए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं या कहानी की जरूरत होते हैं, कहानी की जरूरत भी होते हैं, कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार वो कहानी से बहुत आगे खुद चले जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं मीटिंग में बात कर रहा हूँ, जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर बनी, आप में से शायद कुछ लोगों ने देखी होगी, जिसमें अभिनय सुनील दत्त ने किया है। अब गबन फिल्म में सुनील दत्त का अभिनय किया हुआ है, जो रमानाथ का अभिनय कर रहा है, उसमें एक गीत है कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अब ये देखें तो ये गाना रमानाथ गा रहा है, लेकिन हमने से कोई भी अपने दोस्त को अपनी भावना व्यक्त करने के लिए क्या इस गीत का उपयोग नहीं करता है? सर को बहुत मानता है, सर का नौकरी लगवा दिया, चिट्ठी करते हैं, करते हैं, और करणीय और अकरणीय का निर्णय क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जो विवेक है वो साहित्य हमें देता है और वह सिनेमा भी हमें। पढ़े लिखे लोगों को तो साहित्य दे देगा, लेकिन बड़ी आबादी जो वाली नहीं है उसके लिए जो सिनेमा अपनी भूमिका निभाता है उसको हम नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? और वह भी हिंदी सिनेमा निभाता है और हम उसकी अनदेखी कर देते हैं। उदाहरणशीलता, कई बार आप अभी कोई अगर मान लीजिए प्रेम कर रहा है और प्रेम में वह ऐसी स्थिति बन गई है कि आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो वह साहिर लुधियानवी का वो गीत जरूर एक बार याद करता है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग, जिस अफसाने को अंजाम पर लाना न हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। ये जो भूमिका है, कितनी रचनाएं जिनको हम साहित्य के अंतर्गत लेते हैं वो इस तरह, वो भी आधुनिक कविता के अंतर्गत आप देखें कि ऐसी कितनी रचनाएं हैं जो हमारे निर्णय को प्रभावित करने या हमारे हम उद्धृत करते हैं। अत्यकाल के तो हम बहुत सारे कवियों को उद्धृत करते हैं, लेकिन इधर के कितने कवियों को उद्धृत करते हैं? और पढ़े लिखे तो मान लो हिंदी साहित्य के जानकार तो कर लेते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के जानकार के अलावा जो इतनी बड़ी हिंदी की आबादी है उनको तो उद्धरण का जो सामग्री है वो तो हमारे सिनेमा के लोग ही तो उपलब्ध कराते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी नई अर्थवत्ता देने का काम भी ये गीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं भी आगे बढ़ूंगा इससे, मैं अपना एक पीपीटी। अब देखिए कितने तरह के विषय इन गीतों पे आए हैं, जितने विषय आए हैं इतने गीतों पे शोध की संभावना हो सकती है, इतने विषयों पे शोध की संभावना हो सकती है। सिनेमा में प्रेम, सिनेमा में देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन, समाज सुधार, भक्ति, धार्मिक सद्भाव, किसान मजदूर सर्वहारा का चित्रण, स्त्री जीवन और संघर्ष, लोक गीत संगीत और नृत्य, लोक मन और जीवन, पर्व और त्योहार, प्रकृति और जीवन दर्शन, ऐसी कितनी ही देखो सुंदर ऑनलाइन मीटिंग है जितो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कोशिश कर रहा हूँ फिर से, ना एक बार जिज्ञेस करो ना, अभी तो रेडी है, जिज्ञेस करता एक बार है क्या ओ ना और फोन और बहु नहीं गेछे না না তাহলে ওই স্টেশনের কাজে ওইগুলোতে হবে। হ্যাঁ 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 মোবাইল আর ল্যাপটপ দোনো সে জুড়ে হ্যাঁ ফোন কে রা হ্যায় सर मैं विशाखा सर, क्योंकि आपकी आवाज मतलब जो वीडियो की आवाज है वो सुनाई नहीं दे रही, तो सर क्या आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से जुड़े हैं? नहीं नहीं मैं दोनों से नहीं जुड़ा हूँ, वो सुनाई नहीं दे रही। जी जी कारण है, जी जी सर कारण है, आप दृश्य दिख रहा है आपको ना, मीना कुमारी है सर। हाँ जी जी सर दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है, दृश्य के बहाने हम आपसे बात कर लेंगे, आप दृश्य देख लीजिए।
गीत है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल दुनिया वालों को मोहब्बत की निशानी दी है। क्या जरूरत है, हमने भी जानबूझ के बोला क्या जरूरत, थोड़ा भूल जाते हैं कि हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, हम जितना ना सही पर हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। वो सेंस का बात है, पढ़ा लिखा का बात नहीं है। चलो टू इन वन कितना अच्छा था। अब आपने गीत को सुना होगा, गीत नहीं सुना होगा, दृश्य देखा होगा। तो एक यह गीत था जो शकील बदायूनी ने लिखा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल दुनिया वालों को मोहब्बत की निशानी दी। इसी के जोड़ पर एक गीत साहिल उद्यानवी ने लिखा और वह भी एक फिल्म में फिल्माया गया और उसमें वो कहते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, बहुत मजा आता है, हम गरीबों को नहीं, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो कैसे सर दौलत का सहारा लेकर, कैसे दौलत का सहारा लेकर, अरे आप तो पूरा गा दीजिए ना भाई, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये एक लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है, वो भी नहीं जानता जो चला। सत्येंद्र जी सुना दीजिए इस गीत को सर, पूरा गीत नहीं याद है बस ये शेर जो है संदर्भित है। जी, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। जी जी, लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है ना जी जी। तो जी, आप उस भाव और उस बात तक समझ गए तो मेरा उद्देश्य उतना ही था कि इस तरह के अनेक गीत जो हैं वह हमारी चेतना को प्रभावित करते रहे हैं और इन गीतों की भूमिका पर हम लोगों ने कभी बातचीत नहीं की। समाज सुधार की चेतना, भक्त भावना, धार्मिक सद्भाव, ये तमाम चीजें इन सब ने हिंदी सिनेमा इन गीतों को वो ताकत दी है कि वह हिंदी कविता या हिंदी साहित्य के बराबर रह सकें, उनको बराबरी के साथ सम्मान मिलना चाहिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि तब दिक्कत ये थी कि इन चीजों को रेफर करने के लिए हमारे पास उस तरह की लाइब्रेरी नहीं, अब आपके मोबाइल में ही ये सारी लाइब्रेरी हो चुकी है। वह जो हीनता बोध है कुछ लोगों में था, अब ऐसी हीनता बोध वाले लोग भी अब नहीं रहे और उनकी बात को भी अब बहुत स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए अब यह समय आ चुका है कि हम सिनेमा को साहित्य की एक अहम विधा के रूप में, हिंदी कलाओं के रूप में इसको करें। ऐसा अगर हम कर पाएंगे तो हम हिंदी साहित्य का विस्तार करेंगे, शोध की नई संभावनाएं हम तलाश पाएंगे और इस तरह से आम जन की चेतना के निर्माण में दी उनके प्रदेय का उनके अवदान सही मूल्यांकन कर पाएंगे। और एक बात और जाते जाते कहना चाहता हूँ, उपन्यास पढ़ाए, कविताएं पढ़ाई, निबंध पढ़ाए, हमने से कितने लोगों को अपने उपन्यासकार बना दिया, कितने लोग हैं हिंदी से एमए करने वाले जो उपन्यास के क्षेत्र में बहुत सक्रिय हुए और बहुत महत्वपूर्ण हुए। अभी अभी जिनको साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला उपन्यास के लिए, वो हिंदी से एमए किए हुए व्यक्ति नहीं है। हिंदी कविता में जितने बड़े आपको नाम मिलेंगे उनमें शायद ही एक आध दो होंगे जो हिंदी से एमए किए होंगे। इस पे हमको विचार करना होगा कि जब हम हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी लिख के कितने लोग हमने कहानीकार बना दिया, आज के जो चर्चित पांच नाम है उनमें शायद ही कोई हिंदी से एमए किया होगा। तो ले देकर के हम लोग हिंदी से हिंदी पढ़ाकर हिंदी का अध्यापक बना रहे हैं और जो अध्यापक भी बना रहे हैं उनका भी हाल ये है कि अगर नियुक्ति के समय ये अर्हता ना हो कि एमए हिंदी होना जरूरी है तो ऐसे लोग भी उनसे बेहतर इंटरव्यू में प्रदर्शन कर सकते हैं और उस पद के योग्य हो सकते हैं। यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है जिसपे हमारी नजर
जानी मानना पड़ेगा चाहिए। इतना ठंडा लगता है आपको कि नहाए नहीं। बातें बहुत की जा सकती है, आपने लगभग सवा घंटा मुझे सुन लिया है, थोड़ी देर मैं भी आपको सुनना चाहता हूँ, और आपके अगर कोई सवाल हो तो मेरी समझ का विस्तार भी करेंगे, मुझे समृद्धि भी करेंगे, मुझे बहुत खुशी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। मैं आपका ये सारा वक्तव्य सुनकर बिल्कुल ही भाव विभोर हो गई। अति उत्तम सर, अति सुंदर, अति मधुर वाणी में आपने जो हिंदी सिनेमा का साहित्य के साथ संबंध हमें बताया, वास्तव में ही सर ये हमारे लिए विचारणीय विषय है। मतलब मैंने पहले भी पुनश्चर्य पाठ्यक्रम लगाए हैं, पर मुझे आपका विषय बहुत रोचक लगा, और जितने सहज सरल तरीके से आपने हिंदी सिने गीतों को संबंधों का साहित्य का संबंधों का जो दिखाया हिंदी कलाओं में सिनेमा की उपस्थिति, और वास्तव में ही सर जैसे कि साहित्य की कहानी नाटक विधा किसी भी घटना या भाव को आधार बनाकर समाज की सामाजिक संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में समस्या या घटना को हमारे सामने इंगित करती है, तो सर गीत का तो प्रत्येक शब्द एक एक शब्द एक एक भाव मानवीय संवेदना को झकोरने वाला होता है, बशर्ते मानव के अंदर इतना विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि वो सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में किसी भाव को किस तरह से ग्रहण करता है, क्योंकि मनुष्य को ही बुद्धि और विवेक दिया है। यदि प्रत्येक गीत के भाव को भी